वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कई चीजों के ऊपर चर्चा की जानी है और मंथन किया जाना है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं हरियाणा में, वैसे में विधानसभा चुनाव में सरकार को कैसे विपक्ष के तौर पे कैसे काम करना है, सरकार बनाने के लिए किन किन चीजों के लिए काम करने हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। आज इस विधायक दल की बैठक में शामिल होने जो की न्यूली इलेक्टेड जो है MP वो इस समय पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि लोगों की तरफ से उन्हें फतवा देके इस बार संसद में पहुंचाया गया। फतवा देके आपको लोगों की तरफ से संसद में पहुंचाया गया, क्या क्या प्रायोरिटीज रहने वाली हैं? देखिए, मैं 2019 में विधायक बना, सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया विपक्ष में होते हुए भी, इसलिए चुना गया कि जन जन की प्राथमिकताओं को, उनकी आवाज को अच्छे से उठाया, सवाल लगाए और कितने ही विधेयकों में बदलाव कराया प्रदेश हित के अंदर, जनहित के अंदर। तो यही कार्य एक सांसद का भी होता है, विधायी कार्य का, जो अच्छे ढंग से मैं उसको करने का प्रयास करूंगा। सर, विधायक दल की बैठक है, इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी, किस तरीके की रणनीति बनानी है, क्योंकि विपक्ष है, जाहिर है सरकार अब मैं अगर आना है तो क्या क्या काम करने होंगे, किन किन चीजों पर चर्चा की जाएगी? जी हाँ, देखिए, सरकार पहले ही अल्पमत में है, आप सब जानते हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। मैं भी खुद आपके साथ ही अभी अंदर जा रहा हूँ, पूरी जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है। कांग्रेस भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार जो हमारे 5 सीटें जो लूज हुई है हरियाणा में, कारण रहा है कि कांग्रेस की तरफ से दुष्प्रचार किया गया, गलत प्रचार किया गया है, चाहे वो आरक्षण को लेके बात की जाए, चाहे फिर वो संविधान खत्म होने की बात, इस जिसके चलते ही ये सब चीजें हुई। देखिए, जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात है कि ये भाजपा के नेता और RSS के नेताओं ने ही कहा था कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कही थी, उन्होंने ही कही थी, तो इसमें दुष्प्रचार किस बात का? आपसे आखिरी सवाल है, सरकार को फ्लोर टेस्ट की बात की थी, लेकिन इनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा भी पूरा है, हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी सब चीजें पूरी कर चुके हैं। आंकड़ा पूरा है तो टेस्ट से क्यों घबराते, कराए ना, फिर घबराना क्यों है, कराएं। सो टेस्ट की मांग कही जा रही है, कहते हैं अगर आंकड़े पूरे हैं तो टेस्ट क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, साफ तौर पे कहा गया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।